15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान है। दिल्ली में पराली जलाने को कम करने के लिए पूसा द्वारा बनाया गया बायो डिकम्पोजर, उसके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। इस साल 5000 एकड़ में बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। सड़कों पे भी जो सफाई करते टाइम धूल उड़ती है, उसके लिए 82 रोड मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स लगाई गई हैं, 530 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगाई गई हैं और 258 एंटी स्मॉग गन सड़कों के ऊपर चलेंगी विंटर के दौरान। जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए PUC सर्टिफिकेट्स की जांच करने के लिए और 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल्स को प्रतिबंध के कंप्लायंस के लिए 385 टीम्स गठित की गई हैं। खुले में कूड़ा जलाने पे प्रतिबंध है। 1727 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं रजिस्टर्ड जो कि अब PNG नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी निगरानी के लिए 66 टीमों का गठन किया गया है। एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है 24 घंटे जिसके जरिए निगरानी रखी जाएगी। ग्रीन दिल्ली ऐप, इसमें लगभग 70,000 शिकायतें आईं, जिसमें से 90% 63,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी IIT दिल्ली और DPCC के साथ की जा रही है और उसके लिए राउज एवेन्यू में सर्वोदय बाल विद्यालय में एक सुपर साइट बनाई गई है। पटाखों के ऊपर फिर से इस साल प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए टोटल 1 करोड़ से ज्यादा नए पौधे लगाए जाएंगे जिसमें से 52 लाख पौधे दिल्ली सरकार लगाएगी। कोलंबी कला में एक ई वेस्ट पार्क बनाया जा रहा है। जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसमें रन अगेंस्ट पोल्यूशन, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, तो आसपास के सभी स्टेट्स के साथ मिलके हमारी कोशिश है कि हम पोल्यूशन की गतिविधियों पोल्यूशन को कम करें। हमारी अपील है कि जितने दिल्ली में व्हीकल्स आते हैं वो CNG के ऊपर करें। आसपास के जो एरियाज हैं, दिल्ली के NCR के एरियाज हैं, वहाँ पे पोल्यूटिंग फ्यूल वाली इंडस्ट्रीज को PNG में शिफ्ट किया जाए। आखिरी पॉइंट, ग्रैब को पूरी शिद्दत के साथ लागू किया जाएगा।